नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। जब बीएसएस स्कूटी से पहुंचे विद्यालय का निरीक्षण करने कई शिक्षक मिले नदारद। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी बुधवार को सुबह 7:30 बजे स्कूटी से बहादुरपुर विकास खंड के रहीमापुर प्राथमिक विद्यालय पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर वह सन्न रह गए। विद्यालय में बच्चे और सिर्फ रसोईया ही मौजूद मिला। परिषदीय स्कूलों में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को स्कूलों का हाल जानने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी स्कूटी से निकले। स्कूलों का हाल देखकर सन्न रह गए। एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत कोई शिक्षक नहीं पहुंचा था, तो एक स्कूल में दो शिक्षक बीएसए के सामने पहुंचे। शिक्षकों की अनुपस्थिति पर बीएसए ने खुद प्रार्थना करवाई और बच्चों को कक्षा में बैठाकर पढ़ाया भी। दो शिक्षकों ने बताया कि वह मदाई में व्यस्त थे। यहां की प्रधानाध्यापिका मधु विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक सुमन शर्मा, जया देवी, सुनीता गुप्ता को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसके बाद वह केशवापुर प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। वहां भी शिक्षक अनुपस्थित मिले। करीब 8:30 बजे तक कोई शिक्षक नहीं आया था। स्कूल में 76 विद्यार्थी पंजीकृत थे, लेकिन मात्र 10 बच्चे ही स्कूल आए थे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर शिक्षकों को निलंबित करने के साथ एडवर्स एंट्री भी दी जाएगी। वेतन रोकने व सर्विस ब्रेक की भी कार्रवाई संभव है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।